Hello students, myself Ritu and today I am here with the topic of your 11th class that name is motor vascular system. तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं इकाइनोडर्म्स के अंदर एक यूनिक सिस्टम आता है, एक यूनिक करेक्टरिस्टिक आती है जिसको हम बुलाते हैं मोटर वेस्कुलर सिस्टम. इस मोटर वेस्कुलर सिस्टम को हम इतना क्यों इम्पोर्टेंट कह रहे हैं बच्चों, क्योंकि इकलौता यही वो सिस्टम है जो कि इकाइनोडर्म्स के अंदर बेसिकली मेन फंक्शन काम करता है, काफी मेन रोल प्ले करता है इनके अंदर. तो भाई हम बात करते हैं इकाइनोडर्म्स के अंदर, ये जो एक सिस्टम है जिसको हमने वाटर वेस्कुलर सिस्टम बुलाया है, ये ऐसा मेन क्या काम करता है. तो बेसिकली इसका काम आता है बच्चों लोकोमोशन के अंदर. जब भी किसी इकाइनोडर्म को एक प्लेस से दूसरी जगह लोकोमोट करना होता है तो बाय द हेल्प ऑफ दिस वाटर वेस्कुलर सिस्टम इट कैन ईजिली लोकोमोट. सेकेंडली जो इसका रहता है भाई बच्चों वो रहेगा भाई डेट अलाउ द फूड एंड कैप्चर ऑफ फूड, कैप्चर एंड ट्रांसफर ऑफ फूड. कोई भी बाहर से खाना लेना और फिर एक ट्यूब से दूसरे ट्यूब में ट्रांसफर करना, दिस इज ऑल्सो द मेजर रोल प्ले बाय दिस वन. एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट रोल इज इट हेल्प्स इन रेस्पायरेशन बिकॉज दे अलाउ द वॉटर टू एंटर इन साइड दीज कैनाल्स एंड आफ्टर दैट दे गोट द डिसोल्व ऑक्सीजन फ्रॉम देयर एंड फाइनली द रेस्पिरेशन ऑन दीज इकाइनोडर्म्स होकर. तो बच्चों ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमारे इकाइनोडर्म्स के अंदर एक वॉटर वेस्कुलर सिस्टम होता है जो कि तीन काम करता है. हमने बाकी और फाइलम्स पढ़े हैं, हमने वहाँ पे उनके लोकोमोटरी ऑर्गन्स भी देखे हैं, हमने वहाँ पे उनके पास कोई ऐसे माउथ या एक फीडिंग ऑर्गन्स भी देखे हैं, सेम हमने उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी देखे. लेकिन हम इकाइनोडर्म्स की बात करते हैं, वो वाटर वेस्कुलर सिस्टम ये तीनों काम अकेला यही करता है. अब आता है ये है क्या चीज. अब जो इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिएगा, हम इस वाटर वेस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं तो भाई इसके अंदर हमें क्या दिख रहा है बच्चों, मैड्रीपोराइट दिखाई दे रहा है. मैड्रीपोराइट ये एक वो पोर होता है, ये एक वो स्पेस होते हैं, वो एक जगह होती है जहां से हमेशा क्या होता है बच्चों वाटर एंटर करता है इनके. इट मीन्स वॉटर एंटर्स वाया दीज मैड्रीपोराइट. तो एक छोटा सा पोर होता है, छेद होता है जहां से क्या करता है पानी एंटर करेगा. तो भाई हमें इसमें माइन्यूट से पोर से क्या होता है परफोरेशन होते हुए वॉटर एंटर करता है और फिर हमारी उससे जो बनती है वो होती है स्टोन कैनाल. स्टोन कैनाल आपको दिख रहा है दिस वन वेयर मैड्रीपोराइट इज अटैच्ड. इस स्टोन कैनाल से हमारी पेंटामरस रिंग कैनाल बन के आती है. दिस इज आवर फाइव पेंटामरस रिंग कैनाल जो कि हमें दिखाई दे रही है कि भाई टोटल पांच रिंग के फॉर्म में दिखाई दे रहा है. फिर हम इन पेंटामरस रिंग कैनाल को देखते हैं तो इन रिंग कैनाल के ऊपर हमें कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, दिस वन लाइक स्ट्रक्चर. लेट मी मेक आउट दिस सेट हियर, ध्यान से बच्चों देखिएगा. तो भाई हमें हर एक रेडियल कैनाल के ऊपर ये वाली स्ट्रक्चर दिखाई देती है और इसको बच्चों बुलाते हैं हम ट्यूब फिट. दैट इज नोन एज ट्यूब फिट. दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट. इकाइनोडर्म के अंदर जो वॉटर वेस्कुलर सिस्टम बनता है वो इस ट्यूब फिट की वजह से ही बन पाता है, क्योंकि ये ट्यूब फिट ही होती है जो कि तीनों काम रोल प्ले करने वाली है. डेट इज आवर लोकोमोशन, कैप्चरिंग एंड ट्रांसफर ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन. तो भाई हमारे तीनों रोल हमारे इस ट्यूब फिट ने रोल प्ले किए हैं जिसकी हेल्प से ये सारा काम होता है. हम अब इस ट्यूब फिट को देखते हैं तो हमारे हर एक रेडियल कैनाल के ऊपर, लेटरल कैनाल के ऊपर और इन कैनाल बाकी कैनाल सिस्टम के ऊपर हमें दिखाई दे रहे. तब इस ट्यूब फिट को देखते हैं तो इसके तीन पार्ट अपने को साफ दिखाई दे रहे. When we talk about these parts, तो बच्चों सबसे ऊपर की तरफ हमें swollen part दिखता है जिसको हम बुलाते हैं ampulla और बीच में एक ट्यूबुलर पार्ट आता है उसको बुलाते हैं बच्चों podium और नीचे एक हमारा पार्ट आता है उसको बोलते हैं sucker. तो these are the parts of the tube fit that is ampulla, podium and sucker. तो भाई ये ट्यूब फिट की हेल्प से ही क्या करते हैं, ये तीनों रोल प्ले करते हैं.
आपको दिख रहा है इसके अंदर शक्कर होता है। शक्कर बच्चों हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, जो कि क्या करता है हमारे एक प्रॉपर लोकोमोटरी ऑर्गन में काम करवा रहा था, इन आवर अर्थवर्म्स एंड इन अदर ऑर्गेनिज्म विरेंट। तो भाई यहाँ पे भी वही चीज है, लोकोमोशन में ट्यूब फीड का शक्कर पॉइंट बहुत काम आता है। सेम फॉर कैप्चर एंड ट्रांसफर ऑफ फूड डेट ओकर्स बाय दीज ट्यूब फीड्स, क्योंकि हमारे मैट्रीपोराइट से खाना एंटर करेगा, कैनाल से जाएगा और सीधा ट्यूब फीड से अटैच रहती है, ट्रांसफर होता रहता है। एंड लास्ट वन इज आवर दीज वन कि हमने बात किया रेस्पायरेशन, तो कोई भी पानी एंटर करेगा मैट्रीपोराइट से, सीधा कैनाल में जाएगा, कैनाल से ट्यूब फीड में जाता है और इस तरीके से उस पूरे ऑर्गेनिज्म की हर एक पांच, क्योंकि हम सबको पता है इकाइनोडर्म्स में हमारी क्या आती है बच्चों, स्टार फिश आती है। तो स्टार फिश हम पढ़ चुके हैं कि भाई एडल्ट फॉर्म में उसके अंदर हमें क्या दिखती है, पेंटावरस आर्म्स दिखाई देती है। उन पेंटावरस आर्म्स में हमें ये अंदर रेन कैनाल सिस्टम दिखता है, जिसकी हेल्प से क्या होता है उनके अंदर कोई भी मटेरियल पानी से एंटर करेगा और ट्रांसफर होता रहता है। एंड दीज ऑल्सो प्लेड बाय साइमल्टेनियसली बाय दिस वॉटर वेस्कुलर सिस्टम। This is really the most important topic of our echinoderms. That is us, कि भाई हमारे echinoderms का एक unique character क्या होता है, या फिर locomotion, food capturing and these one और respiration के लिए कौन सा system उनके अंदर इकलौता यही तीनों role play करता है। फिर यही उसके पास ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ये चीजें हो पाती है। तो बच्चों दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स विच इज मैक्सिमली आस्क अबाउट दीज वॉटर वेस्कुलेशन सिस्टम एंड यू हैव टू मेक आउट दिस कंप्लीट डायग्राम अलोंग विद देयर रोल। दैट्स सफिशिएंट फॉर टुडे बच्चों। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट फाइलम कैरेक्टरिस्टिक। बाय एवरीवन।